हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मार्ट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं जो टेली ईआरपी नाम का हमने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है, वो भी हिंदी में, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कंपनी को टेली ईआरपी नाइन में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ आज हम सिखाने वाले हैं। तो आपने हमारे जो भी ट्यूटोरियल के पार्ट 1, 2 और 3 देखे, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया कि टेली ईआरपी नाइन का इंट्रोडक्शन सिखाया, ठीक है। वो सभी चीज़ों के बाद आज हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ सीखने वाले हैं। जैसे कि टेली ईआरपी नाइन के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है, सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूज़र और क्रिएट कंपनी, तो हमें कंपनी क्रिएट करनी है। तो तीसरे वाला जो ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी में हमें जाना है। अगर आपने क्रिएट कंपनी को क्रिएट कर लिया है तो सिलेक्ट कंपनी में ही, सिलेक्ट कंपनी का जो भी पहला ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी में यहाँ पे जाएंगे, तो आपको एरो से नीचे बटन प्रेस करना है और क्रिएट कंपनी में यहाँ पे आके एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। तो हम अभी विशाल एंटरप्राइज करके यहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंपनी का नाम है विशाल एंटरप्राइज, जो मेलिंग नेम है विशाल एंटरप्राइज, यानी कि एज इट इज़ सेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो नाम आ जाएगा, विशाल एंटरप्राइज, ठीक है। मेलिंग एड्रेस के बाद जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है, फुल एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि जो भी एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे उसका जो भी सेल्स इनवॉइस या कोई भी वाउचर अगर आप क्रिएट करते हो उसमें ये एड्रेस दिखाई देगा। इसके लिए यहाँ पे फुल एड्रेस आपको लिखना है, मैं ठीक यहाँ पे मैं अहमदाबाद में, इसलिए मैं यहाँ पे अहमदाबाद लिख रहा हूँ। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करनी है, अगर आप कौन से भी कंट्री में काम कर रहे हो तो कंपनी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अभी हम इंडिया में हैं तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट, इंडिया के आप कौन से स्टेट में काम कर रहे हो, जैसे कि अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, तो अभी हम गुजरात में हैं तो यहाँ पे हम गुजरात सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो अभी हम गुजरात सिलेक्ट करके यहाँ पे पिन कोड नंबर डालना है, आपका जो भी पिन कोड नंबर रहेगा कंपनी क्रिएट करते टाइम यहाँ पे पिन कोड नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, कंपनी का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो और ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। ये सभी चीज़ें जो है आप अगर ये यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते टाइम डालते हो तो वो सभी चीज़ें आपको सेल्स इनवॉइस में और कोई भी वाउचर अगर आप क्रिएट करते हो सभी वाउचर में ये आपको एड्रेस और ईमेल आईडी दिखाई देगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, जो भी आप फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हो 19-20 अभी करंट ईयर चल रहा है, तो यहाँ पे 1/4/2019 ही लिखना है, 1/4/2019, और नीचे की जो भी डेट है वो भी सेम एज इट इज़ ही आएगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आके प्रेस कर देना है और एंटर करना है। यहाँ पे टैली वॉलेट पासवर्ड का अभी हमें कुछ भी काम नहीं है, तो इसके बारे में अब हम बात नहीं करेंगे। अभी आपको एंटर करके नीचे आ जाना है, यहाँ पे कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ एंटर करना है। एंटर करके लास्ट में ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट और यस करना है, यहाँ पे वाई प्रेस करना है तो एक्सेप्ट और यस हो जाएगा। देखिए हमारी जो भी कंपनी है विशाल एंटरप्राइज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हमने विशाल एंटरप्राइज के नाम की कंपनी क्रिएट की है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये जो भी स्क्रीन दिखाई दे रही है उसे गेटवे टैली कहते हैं। दोस्तों अगर आपको टेली ईआरपी नाइन में कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो उसके रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।